are you? Good to see you. Good to see you too. How are you? Hi. Thank you. And the bag for Vira. If you can sign it, that will be great. The bus mara zara short gayi hai. Thank you for gathering over here. We have our special personality with us and a great lover of Hindu watches. And today the occasion is to launch in India the cricket watch which is associated with the World Cup. Manish, can you give that over at the watch? Yeah. That I can wear. You want that? Okay, this is last year's World Cup. I know. Also, please. Thank you. I know it's hot. Yeah, it's very hot. Yeah. Yes. So we should move inside now. Okay. जी बिल्कुल, मैं हुबलो के साथ पिछले 4 साल से हूँ, तो काफ़ी अच्छा एसोसिएशन रहा है और ये बहुत ही सुंदर और प्यारा वॉच है जो वर्ल्ड कप के लिए हुबलो ने बनाया और इंडिया में आज हमने लॉन्च किया है उस वॉच को। और आप जब हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे 2019 में जून में, तो आप
कई जगह पर देखोगे ये वर्ल्ड कप वॉच, तो इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर है। आपको वॉचेस कितनी पसंद है, आप वॉच लवर हैं या नहीं? जब तभी यहाँ पर खड़ा हूँ, वॉच लवर हूँ इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने जैसे बताया 4 साल से मैं वॉच के साथ, ये वॉच ब्रांड के साथ हूँ, तो काफ़ी जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल एसोसिएशन रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। सर क्रिकेट से रिलेटेड आपने कहा कि वॉच को हम देख सकेंगे वर्ल्ड कप के दौरान, सो वर्ल्ड कप कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना प्रेशर है या फिर कितनी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है इस वक्त वर्ल्ड कप में? देखिए अभी तो कुछ नहीं हो रही है, जब हम आई थिंक इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे तभी शायद हमें पता चलेगा, बट ऑफकोर्स हमें पता है वर्ल्ड कप कितना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। सारे लोग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का वेट करते हैं और हर चार साल में एक बार आता है, तो वर्ल्ड कप हमेशा से सबके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। जितने भी क्रिकेटर्स इंडिया में है, इंडिया के बाहर जो भी क्रिकेट लवर है, उनके लिए सबके लिए वर्ल्ड कप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हमारे लिए भी ऐसे ही है। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करें और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। रोहित कल आपका बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। किस तरीके से आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया और क्या नया था इस बार? नहीं कुछ नया नहीं था, बिल्कुल काफ़ी लो की सेलिब्रेशन था, दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ बस, क्योंकि हम काफ़ी मैचेस खेल रहे हैं आईपीएल का, तो उतना टाइम मिलता नहीं है, तो जितना भी टाइम मिला हमने कोशिश किया कि साथ में अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ रहो। आज अनुष्का शर्मा का बर्थडे, क्या कहेंगे? हैप्पी बर्थडे। ओके, आज आप प्रैक्टिस के लिए जाने वाले हैं कुछ समय बाद में, क्योंकि जो मैच था वो इतना बढ़िया नहीं गया, हर बार एक जैसा नहीं होता, सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आईपीएल खेलने के दौरान की नाउ आई हैव टू डू बेस्ट आफ्टर दिस? नहीं, ये हमारा ड्यूटी है मैडम, जब भी हम बैट हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि परफॉर्मेंस करना और टीम को जिताना, तो हम सारे क्रिकेटर्स यही कोशिश करते हैं कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करना चाहिए, और हम करते हैं। कभी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस ख़राब है या कुछ ख़राब है, सारे क्रिकेटर्स ग्राउंड पर उतरते अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। क्या आपने इस बार वोट डाला? 29 अप्रैल को वोटिंग था। हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे। सॉरी आप मैडम यहाँ पे क्या पकड़िए ना प्लीज। बिल्कुल क्यों नहीं, हमारी टीम अच्छी है, हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतने लास्ट 1-1.5 साल जो भी हमने मैचेस खेले हमने इंडिया के बाहर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस फिर से करेंगे वर्ल्ड कप में। देखिए वर्ल्ड कप इजी टूर्नामेंट नहीं होता है, हम सबको पता है, डिफरेंट फॉर्मेट है इस बार, तो कोशिश रहेगी कि परफॉर्मेंस अच्छा करें, बेसिक्स पे फोकस करें, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है ये, पिछले कुछ वर्ल्ड कपों के तरह नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 साल जो वर्ल्ड कप हुआ था तुम वहाँ पर सिर्फ 6 या 7 मैच खेलते थे, अभी आपको 11 मैच खेलने हैं, तो काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप टीम से हैप्पी हैं? थैंक यू प्लीज काफ़ी थैंक यू